मनुष्य को काफ़ी सारी बीमारियां शारीरिक रूप में दिखाई देती है जिसका एक्चुअली कॉज मानसिक होता है। मतलब देह की बीमारी है, शारीरिक बीमारी है और अलग अलग तरह के उसमें लक्षण दिखाई देते हैं और उसका कारण मानसिक होता है, उसको बोलते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। और वो एक मानसिक बीमारी एक्चुअली दिखती है शारीरिक, उसके बारे में मैं आपको आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, मुंबई, नागपुर ये हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का उपचार करते हैं और उनको बिना रिश्तेदार या रिश्तेदार समेत भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो है, ये बीमारी होती क्या है? तो इसमें कंडीशन ऐसी है कि यह बीमारी तभी कही जा सकती है कि इसकी शुरुआत जो है वो उम्र के 30 साल के पहले होती है और बहुत साल से शिकायतें रहती है व्यक्ति को, काफ़ी साल से शिकायत। मतलब कोई बोलता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से शिकायत है और ये शिकायतों से उसका फंक्शनिंग जो है, मतलब समाज में मिलना जुलना, व्यवसाय करना या बाकी सभी क्षेत्रों में ये बीमारी के वजह से असर पड़ता है और वो प्रभाव पड़ने से ठीक तरह से काम नहीं करता है। तो इसके मापदंड क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या है, इसके मानदंड क्या है, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर कब बोल सकते हैं, तो हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें क्राइटेरिया ये है कि अलग अलग है, मतलब ए बी सी। तो समझो अभी एक मैं बोल रहा हूँ बी, तो बी में अभी अलग अलग 4 सिम्टम्स हैं। अभी देखो मैं बोलता हूँ वो कि भाई ये 4 में से पहला मैं बोल रहा हूँ। पहले में क्या है, पहले में ये है कि 4 जगह दर्द होना चाहिए या 4 जगह दर्द होता दिखाई देना चाहिए। अब 4 जगह कौन से है, सिर, पेट, पीठ, जोड़ों में दर्द, सीना या लेटरिन की जगह, या महावारी में दर्द, या सेक्स करने के दर्द, सेक्स करने के समय दर्द, या पेशाब में दर्द। मतलब ये इसमें से 4 जगह दर्द होना चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, एक मानदंड फुलफिल हो गया। दूसरा, पाचन संस्था के लक्षण, उसमें जी मचलाना, पेट फूलना, उल्टी आना, अतिसार होना, कुछ खानों की खाने की चीज़ों में एलर्जी लगना, इसमें से पाचन संस्था के लक्षण दिखाई देना चाहिए कि ये पाचन संस्था के लक्षण है। फिर लैंगिक समस्या दिखाई देती है, तो लैंगिक समस्या में सेक्स की इच्छा नहीं होना, शीघ्रपतन होना, लिंग में कठोरता नहीं आना या मासिक धर्म के समय तकलीफ होना या ज़्यादा मासिक धर्म जाना, ज़्यादा खून बहना। फिर चौथा है कि एक लक्षण जो है वो भेजे के बीमारी जैसा दिखता है, ब्रेन की बीमारी जैसा लगता है और उसमें एक लक्षण होना जरूरी है। उसमें लक्षण कौन से, बैलेंस, संतुलन नहीं रहना, हाथ पैर में ऐसे एक ही जगह ऐसा लकवा महसूस होना, निगलने के समय तकलीफ होना निगलने में, या आवाज़ बंद हो जाना, या पेशाब अटक के आना, या पेशाब में दर्द होना, या दो दो दिखाई देना, या ऐसा शरीर में ऐसा नम होना, मतलब सेंसेशन नहीं आना, या कहीं भूल जाना, भुलक्कड़पना। अभी ये जो सब शिकायतें हैं, ये शिकायतें, सभी शिकायतें बाकी कोई बीमारी के वजह से एक्सप्लेन नहीं करते आना चाहिए कि बाकी कोई बड़ी बीमारी है और ये शिकायत है। तो ये शिकायतों के साथ का साथ साथ बाकी कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए, ये शिकायत सिर्फ है, नंबर एक। नंबर दो, सभी तरह की जांच पड़ताल करने के बाद में कुछ भी उसमें असाधारण दिखाई देता नहीं है, खून की रिपोर्ट में, सोनोग्राफी में, पेशाब की रिपोर्ट में, ब्रेन स्कैन में, मतलब सब तरह की रिपोर्ट करने के बाद में सब रिपोर्ट नील आते हैं और उसमें कोई दिखाई देता नहीं और तभी लक्षण तो है। ये जो लक्षण है, ये लक्षण के साथ में समझो शारीरिक बीमारी भी है तो ये लक्षण शारीरिक बीमारी की वजह से एक्सप्लेन करते नहीं आना चाहिए क्योंकि शारीरिक बीमारी है इसकी वजह से ये लक्षण है। इन शॉर्ट क्या है कि जितने भी ये लक्षण हैं, ये लक्षणों में फिर से बोलता हूँ कि दर्द के लक्षण है, बदन में दर्द,
नंबर एक पचन संस्था के लक्षण है, लैंगिक समस्या के लक्षण है, या ब्रेन के लक्षण है। मतलब ये जो लक्षण है ये कोई भी बाकी बीमारियों के लक्षण से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, तभी भी लक्षण है। तो ये यदि है और काफ़ी सालों से है, 30 साल की उम्र के पहले से है, तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर करके इसका मतलब ये इसका डायग्नोसिस हो सकता है और फिर इसका इलाज करना संभव है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो है ये एक मानसिक बीमारी है जिसका बेस्ट इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट के तरफ साइकेट्रिस्ट से होता है, मतलब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो उनसे इलाज होता है। इसके इलाज के लिए मैं और कुछ अलग एक वीडियो निकालूंगा कि इसका इलाज कैसे करना। अभी इतना ही है कि भाई इसका इलाज जो है वो साइकोथेरेपी से होता है, कोई हम दवा देके भी इसका इलाज कर सकते हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट देके इलाज कर सकते हैं, या फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपी या फिर सम्मोहन उपचार, तो ऐसे इसका इलाज हो सकता है और ये पेशेंट ठीक हो सकता है। ये लोग अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, काफ़ी जगह घूमेंगे, बड़ी बड़ी फाइलें लेके आएंगे, अनेक डॉक्टरों को इन्होंने विजिट किया होगा, अनेक तरह उनकी जांच पड़ताल अनेक जगह अलग अलग तरह से की होंगी, और इनको कोई ठीक कोई कर ही सकता नहीं, कोई ठीक होते नहीं लोग, और घूमते रहते और परेशान रहते। उनको लगता है कि अपने को कोई तो भी बड़ी बीमारी है और ये कोई डॉक्टर हमें अभी ठीक नहीं कर सकता, ये कहीं ठीक होती ही नहीं है, कोई तो भी सीरियस बीमारी है जो पकड़ में नहीं आ रही ऐसा लगता है, और सभी तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, जांच पड़ताल करने के बाद में उसमें कुछ भी दिखाई देता नहीं है। तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर ये बहुत लोगों को बीमारी है मगर हमको मालूम ही नहीं है। आपके ग्रुप में ये शेयर करो वीडियो, आपके फेसबुक के व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी के बारे में मालूम पड़ेगा, उसका इलाज कहाँ होता है मालूम पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपिस्ट ये इलाज इसका कर सकते हैं मालूम पड़ेगा, और वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को शेयर करो, ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या करते हैं कि एक्चुअली लोगों को काउंसिलिंग भी करते हैं, सब देश भर के लोग हमको कॉन्टैक्ट करते हैं और टेलीफोनिकली काउंसिलिंग या कोचिंग बीमारी के बारे में लेते हैं। आपको ऐसा कुछ लगा कि भाई हमको टेलीफोन के ऊपर काउंसिलिंग करना है, अकोला में आना असंभव है, यहाँ आके हम बातचीत नहीं कर सकते, बहुत दूर होता है, तो आप हमारे नंबर जो नीचे दिए हुए उसमें कॉन्टैक्ट करके टेलीफोनिकली आप काउंसिलिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।